उसके बाद डीजीपी साहब ब्रीफ कर देंगे और फिर उसके बाद प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ब्रीफ करके फिर हम डिटेल ब्रीफिंग बाद में करेंगे। पहले एक इम्पोर्टेंट ब्रीफिंग मैं करना चाहूंगा। आप सबको मालूम है, अभी हम लोगों ने बताया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज डिटेल बैठक की है और ये पाया कि उन जिलों में, जिन जिलों में 6 या 6 से अधिक कोरोना के केसेस हैं, जो 15 जिले हैं, वहां पर उन्होंने ये निर्देशित किया है कि वहां के हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके उन हॉटस्पॉट्स में बहुत ही सख्त व्यवस्था लागू की जाए, उन हॉटस्पॉट्स में डोर टू डोर मैनेजमेंट किया जाए, पूरे एरिया को जो है उसको ये हाउस टू हाउस मॉनिटर करके कार्रवाई की जाए। मैं थोड़ा सा डिटेल इन जगहों के लिए देना चाहूंगा। हमने अभी, हम और डीजीपी साहब ने अभी ये बैठक सभी वीसी, सभी उन 15 जिलों के डीएम्स, एसपी या पुलिस कमिश्नर्स के साथ की है, तो हम ब्रीफ करते हैं आपको। आगरा में 22 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 12 थानों में, जिन पर कार्रवाई की आवश्यकता है। गाजियाबाद में 13 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 7 थानों में। गौतम बुद्ध नगर में 12 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 12 थानों में। कानपुर नगर में 12 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 10 थानों में। वाराणसी में 4 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 4 थानों में। शामली में 3 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 3 थानों में। मेरठ में 7 ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जो 8 थानों में मिले हैं, उनमें कुछ ग्रामीण थाने भी हैं। बरेली में केवल 1 हॉटस्पॉट है, वो एक ही थाने में है। बुलंदशहर में 3 हॉटस्पॉट है, 3 थानों में है। बस्ती में 3 हॉटस्पॉट है, 2 थानों में है। फिरोजाबाद में 3 हॉटस्पॉट है, 1 थाने में है। सहारनपुर में 4 हॉटस्पॉट है, 4 थानों में है। महाराजगंज में 4 हॉटस्पॉट है, 2 थानों में है। सीतापुर में केवल 1 हॉटस्पॉट है, 1 थाने में है। और लखनऊ में 8 बड़े हॉटस्पॉट है, 4 छोटे हॉटस्पॉट है, 11 थानों में है। इन 15 जिलों के इन हॉटस्पॉट्स के अंतर्गत जो थाने हैं, वहां पर जो है विशेष रूप से हमें जन सहयोग लेकर 100% जो है लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा। जो थोड़ी बहुत भी रियायत थी वो रियायत नहीं रहेगी। और हम बहुत क्लियर करना चाहेंगे कि इन 15 जिलों के इन हॉटस्पॉट्स के अलावा बाकी जगहों पर जो है जो लॉकडाउन की प्रक्रिया अभी तक लागू है वो एज इट इज रहेगी। लेकिन कहीं किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कहीं अनावश्यक किसी को जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ सेक्शंस ऑफ मीडिया में एक रिपोर्ट ये चल रही थी कि पूरे जनपद में जो है बंदी है, ऐसा नहीं है। केवल इन हॉटस्पॉट्स में कार्रवाई करी जा रही है। सभी डीएम्स और एसपीस को और पुलिस कमिश्नर्स को निर्देशित कर दिया गया है। मैं डीजीपी साहब से चाहूंगा कि इन हॉटस्पॉट्स में क्या क्या चीजों को समाधान करना होगा, किन किन चीजों का ख्याल करना पड़ेगा, किन किन माध्यम से लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, डीजीपी साहब बताएं। हमारे जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड 15 जनपद हैं, जिनके विषय में आपको अभी अपर मुख्य सचिव साहब ने बताया है, उसमें क्लस्टर्स हैं जहां पर इस तरह के रहने की या किसी हिस्ट्री उनकी जुड़ी हुई है उनसे। तो ये एरियाज वो पोटेंशियल पॉइंट्स हैं जहां से स्प्रेड की संभावना लगातार बनी हुई थी। तो ये तय किया गया है कि किसी जनपद में, जिन जनपदों की हम बात कर रहे हैं, वो एरियाज जो कॉन्सेंट्रेटेड क्लस्टर्स हैं कोरोना वायरस के, उनको हम इंटेंसिव लॉकडाउन में लाएं। उसका रीज़न ये है कि किसी तरह का इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, उसको प्रॉपरली कंटेन किया जा सके, इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। और वो व्यवस्था ये है कि सबसे पहले वहाँ का सैनिटेशन विशेष रूप से इम्प्रूव करना, तो उसमें उस एरिया को कॉर्डन कर करके वहाँ पर जितना फायर सर्विस की गाड़ियाँ भी इस काम में लगाई गई हैं उनको लगा करके एक एक्सटेंसिव सैनिटेशन ड्राइव चलाया जाना, वहाँ पर लॉकडाउन को 100% लागू किया जाना, यानी कि जो पास सिविलियन इशूड हैं उन पासेस को भी स्थगित किया जाएगा इस अवधि में, जिस अवधि में एक्सटेंडेड और इंटेंसिव लॉकडाउन हम लागू कर रहे हैं। जो सप्लाईज का बिंदु पैदा हो रहा है वो ये है कि वहाँ पर जो लोग उन एरियाज में रह रहे हैं, वहाँ पर सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट मेडिकल सप्लाईज वो डोर स्टेप पर मुहैया कराएगा, यानी
बाहर लोग आकर के दुकानों पर खरीदारी नहीं करेंगे, चाहे वो दवा हो, चाहे बैंकिंग सर्विसेज हो, चाहे वो किसी और प्रकार की सर्विसेज हो, वरन उनको आवश्यकता अनुसार उनके डोरस्टेप पे प्रोवाइड किया जाएगा। किसी भी तरह की आवाजाही उस एरिया में उसी प्रकार रोकी जाएगी जिस प्रकार नॉर्मल कर्फ्यू में रोकी जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वहाँ पर लोगों को चिन्हित किया जाएगा, कौन आदमी कहाँ किस मकान में रह रहा है, वो कितने फासले पर है उन लोगों से जो जहाँ पे पहले इस तरह के लोगों का रहना पता चला है, जहाँ पे वो लोग रहे हैं, उनके परिवार के लोग रहे हैं, इससे उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। और ये जो तमाम सारे लोग आवागमन कर रहे हैं कि एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले को जाना है तो बीच से होकर के निकल रहे हैं, इसको बिल्कुल रोक दिया जाएगा। कहने का मतलब कि बैरिकेडिंग करके उन एरियाज को बिल्कुल सेग्रीगेट किया जाएगा, वो जीरो जोन बना दिए जाएंगे ट्रैफिक के लिए। तो ये प्राइम व्यवस्था लागू की गई है, एनहांस्ड सैनिटेशन, लोड स्टेप सप्लाईज और बैरिकेडिंग ऑफ द एरिया सो दैट कोई भी किसी तरह का कंटेजियन स्प्रेड होने की कोई संभावना ना रहे, ये व्यवस्था हमारी है। इसमें तीन चार चीजें और बता दूं, एक तो नए फायर ब्रिगेड्स आज भेजे गए हैं हर जिले में, आपने खुद ही देखा होगा, तो इन फायर ब्रिगेड से सैनिटेशन, सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो है सैनिटेशन भी कराया जाएगा इन एरियाज में। 112 यूपी 112 की गाड़ियां विशेष रूप से रखी जाएंगी, लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल करके लोगों को जो है सूचना भी दी जाएगी, आगाह भी किया जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो पुलिस ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करेगी। इन एरियाज में अगर कोई बैंक वगैरह है या राशन दुकान है उसको अभी फिलहाल 15 तारीख तक नहीं खोला जाएगा, और वहाँ पर जो है सड़कों पर हम मीडिया को भी जाने नहीं देंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो ऑफिशियल फोटोग्राफर्स को जा सकेंगे, तो जिससे कि वहाँ आवाजाही कम रहे और वहाँ संख्या लोगों की बहुत ही सीमित रहे। तो ये चीज़ें जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें पूरा जिला नहीं लिया गया है, हम फिर से आपको स्पष्ट कर दें, केवल बहुत ही लिमिटेड एरिया जहां पर कि लोग ऐसे पाए गए हैं जहां उनके हित में, पब्लिक के हित में, उन घरों के हित में, उन लोगों के हित में, उस एरिया और मोहल्ले के हित में, वहां ये कार्रवाई की गई। जैसे जैसे कुछ एरियाज में लॉकडाउन का जो है पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, 14 दिन पूरी हो जाएंगे, जैसे आगरा में पहले कुछ 3 और 4 जगह थे वो पूरे हो गए थे, तो वो वैसे वैसे खोल दिए जाएंगे। हाल फिलहाल ये व्यवस्था 15 की सुबह तक यानी 14 तारीख तक ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो कहीं किसी को कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। एचसीआर के एरिया में एक दो जगह पर इस तरह की सूचना मिली थी कि लोग अनावश्यक रूप से खरीदने के लिए निकले थे, उचित नहीं। मैं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से चाहूंगा कि कृपया आज अपनी ब्रीफिंग करने। हाँ जी बताइए। अब उसको हमने क्लैरिफाई आपको कर दिया है, अब आप जो सही स्थिति है वो जो है लोगों को बताएं। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य धन्यवाद। 15 की सुबह तक जब तक की लॉकडाउन की व्यवस्था अभी है वर्तमान में है वैसे ही तभी तक किया गया। मैं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से चाहूंगा कि आप अपना डिटेल। धन्यवाद। प्रदेश में अभी तक कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति इस प्रकार है, कुल मिलाकर के प्रदेश में 343 पॉजिटिव केसेज आए हैं, इनमें से 187 तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों के केसेज हैं, 26 लोग उपचारित होकर के 187 आउट ऑफ 343 187, इसमें से 26 लोग पूर्णतया उपचारित होकर डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। अभी जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा था तभी सूचना मिली कि पीलीभीत में एक महिला है शकीला, जिनकी उम्र 73 साल है, उनकी भी सेकेंड रिपोर्ट निगेटिव आ गई है, तो वो भी आज शाम तक या कल सुबह तक डिस्चार्ज हो जाएंगी। एक हम लोगों ने, जैसे आपको मैंने बताया था, एक हम लोगों ने यह शासनादेश जारी किया है कि पूलिंग ऑफ पेशेंट्स होगा, 2-3 जिलों के पेशेंट एक ही जगह रख लिए जाएंगे जिससे रिसोर्सेज का बेटर मैनेजमेंट हो। अगर किसी जिले में 1 या 2 मामले आते हैं और दूसरे जिले में भी 1 या 2 मामले आते हैं तो उन चारों मरीजों को एक ही अस्पताल में रख लिया जाएगा, इसको हम पूलिंग ऑफ पेशेंट्स नाम हमने दिया है।
ताकि जो मैन पावर है, हेल्थ केयर टीम है, उसका एक्सपोजर सिर्फ एक हेल्थ केयर टीम का एक्सपोजर होगा, दो हेल्थ केयर टीम एक बार में एक्सपोज नहीं होगी। साथ ही साथ जो कंज्यूमेबल्स हैं, पीपीई किट्स हैं और चीजें हैं, 95 मास्क हैं, उनका भी जुडिशियस मैनेजमेंट हो सकेगा। आपको त्रिस्तरीय व्यवस्था के विषय में बिल्कुल जानकारी है, मैं कई दिनों से आपको बता रहा हूँ, L1, L2, L3। उसके अलावा कल हम लोगों ने एक और गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया है, जिसमें हम लोगों ने एक और नई कैटेगरी जिसका नाम L1 अटैच्ड फैसिलिटीज या L1 के समकक्ष इकाइयां उनका नाम रखा है। ये वो इकाइयां होंगी जो केस मैनेजमेंट हो रहा है प्रदेश में कोविड के पेशेंट्स का, उसमें ये देखा गया कि 75% केसेस ऐसे हैं जो कि बिल्कुल एसिम्टोमेटिक हैं, जिनमें कोई भी लक्षण नहीं आते हैं, न कोई बुखार, न कोई सर्दी खांसी जुकाम, बिल्कुल एसिम्टोमेटिक है और उनका कोई केस मैनेजमेंट डिफिकल्ट नहीं होता है। तो वैसे को देखते हुए कि 75% केसेस ऐसे आ रहे हैं, एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट लिया गया, उसको 50% मानते हुए हमने, जबकि वो 75% है, 1:1 के रेशियो पर हमने L1 अटैच्ड फैसिलिटी में हम बेड्स क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारे लगभग 10,000 बेड्स L1, L2, L3 में हैं, उसी के बराबर 10,000 बेड्स हम L1 अटैच्ड फैसिलिटी में क्रिएट करने जा रहे हैं। ये अस्पताल नहीं है, L1, L2, L3 हॉस्पिटल्स हैं या मेडिकल कॉलेजेस हैं। ये L1 अटैच्ड फैसिलिटी जो है, L1 या L2 के पास कोई बिल्डिंग होगी, हॉस्टल होगा, लॉज होगा या कोई होटल होगा, उसमें हम 100 या 125 बेड्स का की फैसिलिटी हम क्रिएट करेंगे और जरूरत पड़ने पर हम उतने पेशेंट्स को जो एसिम्टोमेटिक होंगे उनका मैनेजमेंट, केस मैनेजमेंट वहां किया जा सकेगा। इस प्रकार से जो अगर कोई ऐसी स्थिति आती भी है जिसकी कोई हम संभावना नहीं देखते, फिर भी अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो हमारे पास 20,000 पेशेंट्स को एक बार में रखने की हमारी व्यवस्था होगी। एक हम लोगों ने जो केसेस आए हैं उनका हमने एक एज वाइज एनालिसिस किया है, उसमें हम लोगों ने यह पाया कि जो 0 से 20 वाला एज ग्रुप है उसके 16% के करीब मरीज उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। 0 to 20 में सबसे ज्यादा फॉल कर रहे हैं मरीज 21 to 40 के कैटेगरी में, 44% पेशेंट्स 21 to 40 के कैटेगरी में हैं, 41 से 60 के कैटेगरी में 27% हाँ मरीज हैं, और जो आपके माध्यम से हम लोग बार बार एडवाइजरी दे रहे हैं कि अपने बुजुर्गों को इससे बचाएं, वो एडवाइजरी आप लोगों ने जो इतना इसमें जागरूकता पैदा की है उसका ये कारण है कि जो 60 प्लस के लोग हैं उनके परसेंट सबसे कम है। 60% 60 प्लस वाले लोग केवल 13% हैं जो कि इससे इफेक्ट हुए हैं, 41 से 60 वाले 27%, 21 से 40 वाले 44% और 0 से 20 वाले 16%, यानी सबसे बुजुर्ग और सबसे जो कम एज के लोग हैं उनका प्रतिशत कम है, बीच वालों का प्रतिशत ज्यादा है। जो इसमें एक दवा होती है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, वो सभी मेडिकल कॉलेज, सभी अस्पतालों, सभी जिलों को उपलब्ध करा दी गई है। हेल्थ केयर वर्कर्स जो सीधे COVID-19 के पेशेंट्स के संपर्क में आते हैं, जो ट्रीटमेंट करते हैं, उनके लिए इसका प्रयोग प्रोफाइलैक्टिक के रूप में रिकमेंडेड है। तो वो टैबलेट हर जगह हमने उपलब्ध करवा दिया है, बाकी के लॉजिस्टिक्स भी लगातार उपलब्ध कराई जा रही है। आज हम लोगों की अभी भारत सरकार से VC चल रही है और जो हमारे फील्ड के ऑफिसर्स हैं, CMOs हैं, CMS हैं, उनके साथ भी VC चल रही है। अब हम लोग कल से टेस्टिंग को रैंप अप करने जा रहे हैं। अभी तक हम 700-800 सैंपल हम कर रहे थे, अब हमारी कोशिश ये होगी कि कल से हम इसको डबल कर दें और हम 1,500 के करीब सैंपल हम प्रतिदिन हम प्राप्त करें। जिन जिलों में बिल्कुल भी केसेस नहीं है वहां भी जो इन्फ्लुएंजा लाइक जो सिम्टम्स वाले मामले होते हैं कम्युनिटी में, या जो प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल में जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के केसेस होते हैं, जिनको हम सारी कहते हैं, उनके केसेस के सबके सैंपलिंग किया जाएगा ताकि ये मालूम पड़ सके कि कम्युनिटी में किसी प्रकार का ट्रांसमिशन, मतलब ट्रांसमिशन कम्युनिटी में नहीं, कहने का मतलब कि उस एरिया में किसी प्रकार का कोई ट्रांसमिशन तो नहीं है। जिन जिलों में बिल्कुल भी केसेस नहीं आ रहे थे, जिनमें गाइडलाइंस के हिसाब से भी हमको बहुत ही कम सैंपल्स लेने थे, वहां भी हम अपने सैंपलिंग को रैंप अप कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की किसी संभावना को बिल्कुल रूल आउट किया जा सके। जैसा आपने सुना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह आज निर्देश दिया है कि जहां भी ज्यादा केसेस हो रहे हैं
वहां लॉकडाउन का बहुत ही बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसको एनफोर्स कराया जाए, ताकि लोगों का जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो जो वॉलंटरली वो लोग निकलने के बाद उसको ब्रीच कर देते हैं वो बिल्कुल ब्रीच ना होने पाए, जिससे कि जो जो ये कंटेजियन है, जो ये इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन को जहां है उसको वहीं पर थामा जा सके, और इसको थाम करके जो इन्फेक्शन का रेट है उसको हम लोग बिल्कुल बहुत कम कर सके। आपने देखा होगा कि पीछे 5-6 दिनों में जब से तबलीगी जमात के केस आने शुरू हुए थे तो एकाएक एक स्पाइक आया था, बहुत बड़ा जंप आया था। अब वो जंप जो आया था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अब हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जब हमने उन सारे लोगों को निकाल करके उनकी टेस्टिंग हमने कर ली, तो अब बहुत जरूरी है कि जो लोग भी हमारे माइग्रेंट वर्कर्स आए हैं या फॉरेन से जो लोग आए थे उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उन सबों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन सर्कुलेट नहीं करे, उसके लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग जो बहुत जरूरी है, साबुन पानी से लगातार अपने हाथ को धोते रहना, जिससे कि इन्फेक्शन आपके मुंह आंख और नाक के जरिए आपके शरीर में न जा सके वो। और साथ ही साथ आपको हमने ये भी बताया था कि आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, आपके माध्यम से हमको जनता को बताना है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करिए। इसके लिए नीम की पत्ती का सेवन या तुलसी अदरक का काढ़े का सेवन, इस तरह की जो चीजें होते हैं, गिलोय का सेवन, गर्म पानी पीना, ये सब करें जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। और उसके अलावा जो आप लोगों ने मास्क लगा रखा है वो हमने आपको एक एडवाइजरी आपने देखा होगा हमने जारी की थी, अब उसको हम लोग एपिडेमिक नोटिफिकेशन के अंतर्गत एक ऑर्डर करने जा रहे हैं कि हर आदमी को जो बाहर निकलेगा, हर व्यक्ति, उसको अपने चेहरे को कवर करना आवश्यक होगा, चाहे वो मास्क से करे, चाहे वो गमछे से करे, या तौलिए से करे, या रुमाल से करे, या दुपट्टा से करे, बट अपने चेहरे को कवर करना होगा, जिससे कि संक्रमित होने की संभावना नहीं के बराबर रह जाए। क्वारंटाइन में भी हमारे इस समय बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, सहारनपुर में 795 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, शामली में 243, लखनऊ में 147, आगरा में 400, मेरठ में 342, गौतम बुद्ध नगर में 657। इस तरह से जो संक्रमण को कंट्रोल करने के, नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया है उस पर बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही तेजी से पूरे प्रदेश में काम कर चल रहा है। धन्यवाद। लखनऊ के पॉजिटिव केस की कुल संख्या है देखिए 24, आगरा 64, लखनऊ 24, गाजियाबाद 23, गौतम बुद्ध नगर 58 और मेरठ 35, ये सबसे ज्यादा केसेस वाले जिले। जो भी स्ट्रेटजी बन रही है वो यूनियन गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की साझा स्ट्रेटजी बन रही है। जो भी यूनियन गवर्नमेंट के इसमें निर्देश आते हैं हम उसको फॉलो करते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट भी ये कह रही है और हम लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि जब हमारे नंबर्स फिर से गिरने शुरू हो गए हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम एग्रेसिव कंटेनमेंट करें। और उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से के जंग में एक बड़ा फैसला लिया है, और वो फैसला ये कि अब हॉटस्पॉट्स को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। 15 राज्यों में ये हॉटस्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं जहां किसी को भी आने जाने की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि इन हॉटस्पॉट्स को पूरी तरह से सील किया जाए, यहां तक कि पत्रकारों को भी वहां जाने से रोक दिया गया है, इन हॉटस्पॉट्स के बारे में बता दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।